बगीचे में मिला एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की छत बिछत लाश। साक्ष्य छिपाने के लिए अपराधी ने पहले उतारा मौत के घाट, फिर पत्ता इकट्ठा कर जला डाला। चचेरा चाचा ही निकला हत्यारा। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ अभियुक्त। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर बगीचे से मासूम 6 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया है। मृत बच्ची की पहचान रुदल माझी गनगनिया फतेहपुर निवासी पायल कुमारी के रूप में हुई है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि बच्ची एक दिन पूर्व से भट्टे पर से लापता थी। ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि वह अपने चाचा के साथ बिस्कुट लेने के लिए दुकान पर घटना के एक दिन पूर्व देखा गया था। इसके बाद से बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की तो बच्चे का शव ईंट भट्टे के बगल के बगीचे में छत बिछत अवस्था में पाया गया। बच्ची एक दिन पूर्व से ही लापता थी। मृतक बच्ची की मां सुनीता देवी ने बताया कि रिश्ते से उसके चचेरे चाचा 2 दिन पूर्व हमारे घर आए थे। इसके बाद वह रात में खाना खाकर घर पर ही रुके और भट्टा पर आकर बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने लेकर गायब हो गया। इस अमानवीय घटना पर वरीय पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई और मृतक के पिता के फर्द बयान में अपने चचेरे भाई पर लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त गोहिया उर्फ रोही कुमार को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से पुलिस ने खून लगा मिट्टी, जला हुआ कपड़ा, बोतल, माचिस आदि बरामद किए। एक मामले से संबंधित है, इसमें एक कल पुलिस को ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दिया गया कि एक अर्धजला एक बच्चे का शव जो है एक मिला है। उस बच्चे का शव को बरामद किया गया और उसकी पहचान कराते हुए इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया गया। इस संबंध में SSP सर के द्वारा एक टीम SIT गठित किया गया हमारे नेतृत्व में, और उसमें ASP प्रोबेशनर और DSP लॉ एंड ऑर्डर संबंधित तथा थानाध्यक्ष और फर्दर टीम थी उसमें। इस टीम के द्वारा फिर हम लोगों ने इस संबंध में बच्ची का पहचान कराते हुए यह निष्कर्ष निकला कि इस बच्ची के साथ पिता के द्वारा बताया गया कि इनके ही परिवार के चाचा जो लगते हैं, इनके द्वारा इस बच्ची के साथ कुछ शारीरिक गलत इनके साथ किया गया है, रेप किया गया है और उसके बाद इनको हत्या की गई है। इस संबंध में तकरीबन 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का नाम गोगिया उर्फ रोही कुमार, पिता लखन ऋषिदेव, साकिन हरिनगर, थाना अकबर के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जिस मटेरियल से माचिस से उसके जो जलाया गया वो बरामद कर लिया गया, कपड़े बरामद किए गए हैं तथा इनके पूछताछ में भी इन्होंने अपना जो है अपराधी ने अपना जो जुर्म जो है अपना कबूल किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। जी इस चूँकि इस व्यक्ति का सेक्सुअली वो इंटेंशन था उस बच्ची के प्रति, उस कारण से उसका पहले जो है वो उसको चॉकलेट के बहाने टॉफ़ी के बहाने उसका अपहरण किया गया और बच्ची के साथ गलत किया गया और उसके बाद इस चीज़ को तथ्य को छुपाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया। चूँकि वो क्षेत्र कंप्लीट जला नहीं पाया और उसके कारण जो है अर्ध जला बॉडी फिर हम लोग को बरामद किया गया। चूँकि इस संबंध में FSL से जाँच कराया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा गया है और फर्दर मेडिकल जांच किया जा रहा है और इतने त्वरित कार्रवाई के लिए SSP सर के द्वारा टीम को थाना को जितने भी पदाधिकारी और सिपाही इसमें जो अच्छा कार्य किए हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। कितने आगे ना हो इसको लेकर क्या भागलपुर पुलिस लोगों को सतर्क करेगी? इस तरह की घटनाएं से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पूर्व में ही शेरनी दल भी हमारा जो कार्य कर रहा है, जो कि महिलाओं का जहाँ ज़्यादा प्रेजेंस होता है जैसे मार्केट हो, कॉलेज हो, वहाँ पे पेट्रोलिंग हमारी रह रही है। लोगों से भी अपील है कि किस तरह की भी घटना प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इस संबंध में ये है कि इनके जो बच्ची के जो पिता है इनके द्वारा जो है काफ़ी हम लोग को लेट सूचना देने के कारण एक दिन का एक्स्ट्रा समय लग गया, अदरवाइज हम लोग अपना अनुसंधान उस समय ही हम स्टार्ट प्रारंभ कर लिए थे। हम लोग से पूछताछ में और फर्दर जो भी अभी तक जो अनुसंधान किए गए हैं, अभी तक का जो अनुसंधान है इसमें जो है इसने अकेले ही इस घृणित कार्य को किया है और इसमें इन्होंने अपना कन्फेशन किया है इसमें।